गोरखपुर विश्वविद्यालय के एससी एसटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में गुरुवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि हम बाबा साहब के जीवन संघर्षों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्ययन केंद्र को स्थापित किया जाएगा, जिसमें अंबेडकर सहित भारत के विभिन्न समाज सुधारकों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने बाबा साहब के बहुआयामी लेखन कार्य को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में उचितता के आधार पर पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं होगा जब तक वहाँ के लोग सामाजिक सुधारों के लिए तत्पर ना हो। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर ब्रिजेश कुमार, तकनीकी संचालन भौतिकी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर प्रभुनाथ प्रसाद, कुल सचिव प्रोफेसर उमेश नाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, प्रोफेसर संजीत गुप्ता, प्रोफेसर करुणाकर राम त्रिपाठी, प्रोफेसर गौरहरी बेहरा, प्रोफेसर सुनीता मुर्मू, डॉक्टर केशव सिंह सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक, शोध छात्र, स्नातक, परास्नातक छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आज अंबेडकर जयंती है। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था। एक मिलिट्री कैंट मध्य प्रदेश में है, बहुत जो आजकल अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वह अपनी फैमिली में 14वें चाइल्ड थे और बाबा साहब आप जानते हैं कि जैसा कि उन्होंने जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के थी उसके चेयरमैन थे और हमारे संविधान के रचयिता हैं। और उनके जीवन पर अगर आप विचार उसको देखें तो आप जानेंगे कि बहुत ही स्ट्रेस में पले हैं वो। उन्होंने जो एक छुआछूत अनटचेबिलिटी को कैसे महसूस किया है और कैसे उसको संविधान में लाया है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आज यहाँ पे अनाउंसमेंट करने भी जा रहा हूँ कि हम एक अंबेडकर स्टडी सेंटर की स्थापना करेंगे, जिसमें अंबेडकर के पॉलिटिकल विचारों पे, इकोनॉमिक्स पे खासकर, और जो उनकी जो अनटचेबिलिटी के भाव थे इतने सक्सेसफुल हुए हैं आज, आज उसके क्या क्या अचीवमेंट है, उस पर
के लिए एक सेंटर की स्थापना करने की योजना है। मैं चाहूँगा फैकल्टी ऑफ आर्ट से ही आए और हम लोग उनको आज याद करके नमन करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का अपने बच्चों को उपदेश देंगे, अपने टीचरों को बताएंगे कि वो ऐसे ही नहीं, इतने बड़े कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे एक बहुत ही एवरेज फैमिली, लो टोटल फैमिली में पलते हुए भी कोलंबिया से उन्होंने पीएचडी किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया, मुंबई यूनिवर्सिटी से किया, तो कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे ये पाया, तो वो एक पूरी जो उस पर आज हमारे बहुत सारे स्पीकर हैं उस पर चर्चा करेंगे और हम आगे देखेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय में ये चर्चाएँ चलती हैं।